गाय ने निकली 20 ग्राम सोने की चैन, रोज गोबर का इंतजार करता रहा परिवार। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। अगर आप पशुओं से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय पालने वाले लोग अपने पशु से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसके साथ घर के सदस्य की तरह ही बर्ताव किया जाता है। इसी बीच कर्नाटक से काफी अजीबोगरीब मामला निकलकर सामने आया। दरअसल यहां पर एक शख्स ने दिवाली के मौके पर अपनी पालतू गाय और उसके बछड़े की पूजा की थी, परंतु पूजा के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से इस परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये मामला कर्नाटक के हिपाना हल्ली में एक परिवार से जुड़ा हुआ है, जहां पर दिवाली के त्योहार पर घर में गाय और बछड़े की पूजा की गई थी। इस दौरान परिवार ने पूजा कर बछड़े को सोने की चैन पहनाकर उसका सम्मान किया और फिर कुछ देर बाद चैन उतार कर उन्होंने सामने ही रख दिया और उसके साथ कुछ फूल मालाएं भी उन्होंने रखे हुए थे। जब परिवार ने पूजा संपन्न कर ली तो उसके बाद उन्होंने देखा कि सोने की चैन तो वहां से गायब हो चुकी है, जिसके बाद तो परिवार वाले काफी चिंतित हो गए। जब सोने की चैन खो गई तो इसके कारण परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उनको ऐसा शक हुआ कि चैन गाय ने तो नहीं निगल ली। उन्होंने इसकी जाँच कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने गाय की जाँच की, जिसके बाद ये नतीजा निकल कर आया कि सोने की चैन तो भैया गाय ने ही निगल ली है और वो उसके पेट में ही मौजूद है। फिर परिवार करीबन महीने भर तक गाय के गोबर को कड़ी निगरानी पर देखता गया। करीब एक महीने तक गाय घर के अंदर ही बंधी रही, उसे बाहर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद 20 ग्राम के सोने की चैन के लिए गाय की सर्जरी करवानी पड़ गई। उसके बाद परिवार को सोने की चैन मिल सकी। अब चैन वापस मिलने से परिवार बहुत खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि पेट में रहने के दौरान चैन का वजन 20 ग्राम से 18 ग्राम ही रह गया, यानी कि 2 ग्राम चैन का वजन कम हो गया। परिवार का ऐसा कहना है कि चैन पाकर उन्हें खुशी तो है, परंतु उनको दुख इस बात का है कि उनकी गाय को सर्जरी से गुजरना पड़ा। तो आप लोगों को इस घटना के बारे में क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।